आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में एक बड़े आयोजन की तैयारी पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा नेता चतर सिंह रछोया भी कर रहे हैं। श्री रछोया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 101 किलो का केक काटा जाएगा। साथ ही भाजपा सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश सिंह वर्मा और वीरेंद्र सिंह के द्वारा 5000 गरीब और बुजुर्गों को पगड़ी और अंग वस्त्र भेंट किए जाएंगे। कार्यक्रम में आकर उसका लाभ उठाया। हमने 5100 लोगों को अपना शस्त्र, जो हम राजस्थानी समाज के लोग तलवार को पूजा करते हैं, हिंदू लोग, 5100 लोगों को हमने तलवार गिफ्ट करने का काम किया। गरीब महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटी थी हमने, बच्चों को स्टेशनरी बांटी थी, उस पर सब पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो और पार्टी के पदाधिकारी का फोटोग्राफ। वहीं महिलाओं को सिलाई मशीन देकर और युवाओं को टी शर्ट पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा पार्षद ज्योति सतीश रछोया और पार्षद भूमि रछोया भी उपस्थित रहेंगे। गरीब महिलाओं को, विधवाओं को सिलाई मशीनें बांटी थी, आपने देखा था, हमारे मीडिया के लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया। आने वाली 17 तारीख को हम उसी तरह पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी, पिछले साल हमने तालगढ़ में कार्यक्रम किया था, इस बार हम कार्यक्रम मादीपुर में कर रहे हैं। मीडिया ग्राउंड बुक कराया हमारी सोसाइटी ने, हमारी वहां पर रीगर सेना होगी, दलित समाज के लोग होंगे, सभी मादीपुर विधानसभा की RWA, सामाजिक संस्थाएं, सोसाइटीज, कम्युनिटी के महापुरुषों को हम सम्मानित करेंगे। गरीबों को सिलाई मशीनें, विधवाओं को सिलाई मशीनें, गरीब महिलाओं को साड़ी सूट, गरीब आदमियों को हम पेंशन देने जा रहे हैं। और समय से आदमी उठे, समय से खाना खाए, समय से वो अपना स्कूल का काम करे, इसलिए हम दीवार घड़ियां भी बांटने का काम करें। 5100 जोड़ी कपड़े, 5100 टी शर्ट, 5100 पैंट शर्ट, इस तरीके से हम बांटने का और 5100 लोगों का खाना भोजन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। और केक जो है वो 101 किलो का केक होगा, जो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी आएंगे, हमारे क्षेत्रीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी आएंगे, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे नज़दीकी हैं, पार्टी के लिए काम करते रहते हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली के अंदर भी समाज की सेवा में आकर के उसका करेंगे। ये मैं नहीं जानता, मैं समाज की सेवा करूँगा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, मेरा समाज ही मेरा बेटा है, समाज ही मेरा पिता है, और मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरा परिवार है, उनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं तो उनका सम्मान करूँगा। मोदी जी का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने 370 को हटाने का काम किया। 70 साल सरकारें चली लेकिन जिगरा चाहिए इस काम को करने के लिए। अगर पार्टी ये तय करेगी तो पार्टी का सम्मान है, और समाज के लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो दुख सुख में साथ रहता हो, समाज के दुख सुख में काम आता हो, उनके बीच में रहने वाला आदमी, अब यह हमारी पार्टी के लोगों ने 67 विधायक किए, किसी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा, किसी के ऊपर चोरी का मुकदमा, किसी के ऊपर छीन छाट का मुकदमा। यहाँ की क्या स्थिति है इस समय, आप क्या देखते हैं कि कितनी समस्याएं लोगों को? हमारे क्षेत्र के अंदर पिछले 20 साल से हॉस्पिटल बनाने का काम, पहले कांग्रेस ने उद्घाटन करने का काम किया, फिर आम आदमी पार्टी ने उद्घाटन करने का काम किया, लेकिन बनाने का काम किसी ने नहीं करा। अब चतर सिंह रछोया ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है समाज के हित में, और माननीय न्यायालय ने जवाब दायर किया है, तो लगता है अब एक्शन होगा। सरकार जो है आके उनकी खुल रही है कोर्ट को। 17 तारीख को मादीपुर की पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के पास DDA ग्राउंड है, वो हमारी समाज ने बुक करा दिया, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, समय 11 बजे का होगा, और मनोज तिवारी जो हमारी पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और हमारे क्षेत्र के सांसद, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो पूर्व में माननीय केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने तो हमें अपनी सहमति पत्र भी दे दिया है, और पुलिस को भी परमिशन कि भाई ये कार्यक्रम अच्छे से चले, ये पत्र भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने, प्रवेश वर्मा जी ने, मनोज तिवारी जी ने दिल्ली पुलिस को लिखा है कि कोई असामाजिक तत्व, क्योंकि हम समाज का काम करते हैं तो दुश्मन लोग भी आकर उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, उसमें कोई ना कोई बाधा पहुंचाते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब से सरकार से बाहर गई है,
तो उनको दर्द है, उनको लोगों को भड़काने का काम, गुमराह करने का काम, ये करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। पिछली बार भी जब हमने सिलाई मशीनें बांटी थी तो कांग्रेस ने धोखा या धरना प्रदर्शन लोगों को गुमराह करने का काम किया। परवेज साहिब सिंह वर्मा जी ने भी दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि ये व्यवस्था अच्छे से चले, माननीय मोदी का जन्मदिन अच्छे से मने और पुलिस की व्यवस्था अच्छे से रहे। लगभग 10,000 लोग होंगे मिनिमम और 10,000 से प्लस लोग होने वाले हैं। मादीपुर मेरी जन्मभूमि है और नांगलोई नहीं, मेरी मादीपुर भी कर्मभूमि है। आप देखो, मैंने वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, सोनकर समाज, बलाई समाज, बैरवा समाज, रेगर समाज, जाटो समाज, रविदासी समाज, वागरी समाज, सबके लिए मैंने ज़मीनें पास कराई और विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी के लोगों ने उसको रोकने का काम किया। अरे क्या अपील करेंगे लोगों को आप? मैं अपील करूँगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, माननीय मोदी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, उसके अंदर अधिक से अधिक लोग आएँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इससे दलित समाज का सम्मान भी बढ़ेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक दिन भी विश्राम नहीं करते, उनका भी सम्मान बढ़ेगा और उनको शक्ति मिलेगी इस समाज से कि वो अधिक से अधिक काम करें। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करा था इन्होंने, इन्होंने हर समाज के व्यक्ति को पगड़ी बना के उनका सम्मान बढ़ाया और मोदी साहब जी का बड़ी धूमधाम करें। शिवाजी ने तो यहाँ पर ऐसे काम के बारे में भी नहीं करें, तो पाले पिछले साल भी काफी लोग आए थे, तो तालकोट प्रोग्राम होता है, रशिया जी होते हैं वहाँ, तो लोग अपने आप पहुँच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत दर्पण टीवी।